हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह के विचार इस पर्सन के मन में आ रहे हैं, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के थॉट्स आपके लिए। ओके व्यूवर्स, तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडियक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप अपने क्रश के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, या फिर जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं, उस इंसान को आप फील करते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, तो ये रीडिंग आप उस इंसान के लिए भी देख सकते हैं। ओके, करते हैं रीडिंग के स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं, कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं एट ऑफ वांड्स, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रेस्टिस, एट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ सोर्स। साइन है मेष, सिंह, धनु, एरिज, लियो, सजिटेरियस, मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ऑलमोस्ट सारे ही एलिमेंट्स एंड साइंस अवेलेबल हैं। रीडिंग भी सभी जोड़ी एक साइंस के लिए है। ओके, तो करते हैं अब इस पर्सन की फीलिंग्स की बात। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है जो इंसान आपके प्यार के नशे में चूर नज़र आ रहा है। आपके लिए जो फीलिंग्स, जो प्यार ये पर्सन महसूस कर पा रहे हैं, यहाँ पर एट ऑफ वांड्स के कार्ड में नज़र भी आ रहा है और साथ ही जजमेंट का कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहाँ से निकलकर ये पर्सन दौड़कर भागकर आपकी लाइफ में आना चाहता है, यानी आपसे मिलने के लिए बेकरारी यहाँ पर क्लियर है। और यहाँ पर इस पर्सन के मन में जो फीलिंग्स, जो प्यार है, वो भी क्लियर नज़र आ रहा है। इसीलिए ये पर्सन जजमेंट चाहता है। जो भी पास में इस पर्सन के रिश्ते हैं या फिर जो भी सिचुएशन इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही है, जो भी आप दोनों के बीच की रुकावटें हैं, जो भी इस पर्सन के मन में दुविधा है, उस दुविधा से निकलकर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने का सोचता है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब जजमेंट का टाइम आ चुका है। ये पर्सन आपके लिए प्रेयर्स कर रहा है, अपने जो इमोशंस हैं उनको ये पर्सन जाहिर कर सके उसके लिए प्रेयर्स कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ गलत हो चुका है, अब इस पर्सन को चाहिए जजमेंट, अब इस पर्सन को चाहिए हैप्पीनेस, इस पर्सन को चाहिए खुशियाँ, इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी को एक कामयाब ज़िंदगी बनाना है, इस पर्सन को अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी के फैसले करने हैं। तो अब ये पर्सन जजमेंट चाहता है। जो कुछ भी इस पर्सन के साथ अन्याय हो चुका है, उन सारे ही चीज़ों को ना ये पर्सन जब याद करता है तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि इस पर्सन के साथ में भी जजमेंट हो, इस पर्सन को इंसाफ मिले, और ताकि ये पर्सन इस स्टक एनर्जी से निकलकर तेज़ रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ सके और जो कुछ भी इस पर्सन के मन में है ये पर्सन आपको बता सके। यहाँ पर ये पर्सन आपको प्रपोज करने का सोच रहा है ऐसा लग रहा है, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, पर इस पर्सन को इंतज़ार है जजमेंट का। तो कहीं से इस पर्सन को किसी फैसले का इंतज़ार है। इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पेंडिंग है जो ये पर्सन अब सारी चीज़ों को कम्प्लीट करना चाहता है, यानी कि जो कुछ पेंडिंग वर्क्स हैं ना उन्हें कम्प्लीट कर ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। ये चीज़ है यहाँ। और साथ ही यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रेस्टिस के कार्ड भी हैं। तो ये पर्सन एक एनर्जी से निकलकर एक नई एनर्जी में आने का सोच रहा है, पॉजिटिव रहते हुए पॉजिटिव काम करने के बारे में सोच रहा है। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कम्प्लीशन भी चाहता है और इस पर्सन को ऐसा लगता है अब तक जो कुछ भी इस पर्सन को मिला है वो कम है, इस पर्सन को और ज़्यादा की ख्वाहिश हो रही है। और ये पर्सन अंदर से एक ऐसी पावर महसूस कर रहा है जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन जो कुछ सोच रहा है उसे कर पाएगा। तो अब एक हौसला इस पर्सन में जो आया है ना, जो मैं यहाँ पर इस पर्सन में पावर देख पा रही हूँ, जो इंट्यूशन पावर इस पर्सन की इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, जो इस पर्सन को गाइड कर रही है, यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी पास में हुआ है इस पर्सन के साथ, जो भी इस पर्सन को एक्सपीरियंस मिले हैं, तो अब इस पर्सन को वही जो एक्सपीरियंस है ना हील कर पाएंगे और हील कर रहे हैं। और इस पर्सन को जो गाइडेंस मिल रही है एंजल इस रिश्ते में, इस पर्सन को बढ़ने के लिए जो उकसा रहे हैं ना, इस पर्सन के दिल में जो दर्द है उससे निकलने की ये पर्सन जो कोशिश कर रहा है। पास में ये पर्सन एक मिस्टीरियस टाइप का इंसान बनकर रह गया था, पर अब ये पर्सन एक एनर्जी से निकलकर एक नई एनर्जी में आ रहा है। और यहाँ पर ये दुख और दर्द जो इस पर्सन की लाइफ में था, जो पास में ये पर्सन बहुत कुछ सह चुका है, बहुत दर्द और तकलीफ से ये पर्सन गुजर चुका है, उस दर्द और तकलीफ से निकलकर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहा है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आने की, एंटर होने की कोशिश कर सकता है। बहुत जल्द ये पर्सन आपसे मुलाकात करेगा, ये
ये कोई न्यू पर्सन नज़र आ रहा है यहाँ पर आपका, इस पर्सन के साथ में जिस तरह का भी रिश्ता हो, पर हाँ यहाँ पर अभी तक इस पर्सन ने आपको प्रपोज़ नहीं किया है, ये चीज़ नज़र आ रही है। आप भी काफ़ी दुख और दर्द से गुजरे हैं, ये चीज़ भी है। यहाँ पर एट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ सोर्स के कार्ड हैं और ये आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप कहीं से धोखा खा चुके हैं और आपको भी इंतज़ार है किसी एक ऐसे पर्सन का जो आपकी लाइफ में प्यार भर सके, आपको हील कर सके। और आप जो दुख और दर्द सह चुके हैं किसी अदर पर्सन की वजह से, उस दर्द से ये पर्सन आपको निकाल सके, तो आपकी निगाहें भी ना एक ऐसे पर्सन पर टिकी हुई हैं जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और खुशियां भर सके, आपको दर्द और तकलीफ़ से निकाल सके, आपके अकेलेपन को भर सके। तो यहाँ पर आपको भी एक सच्चे जीवन साथी की तलाश है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और यहाँ इस पर्सन को भी एक सच्चे जीवन साथी की तलाश है, तो ये पर्सन आपके जैसा पार्टनर ढूंढ रहा है और आप भी इस पर्सन के जैसा ही व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से बहुत जल्द मिलेंगे, ये चीज नजर आ रही है। क्योंकि इस पर्सन ने जिस तरह के व्यक्ति की छवि अपने मन में बना रखी है, आपसे काफ़ी मिलती जुलती है। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज आप दोनों की सिमिलर नज़र आ रही हैं, तो ये चीज़ है कि आपका अकेलापन ये पर्सन दूर कर सकता है। आप इस अकेलेपन से बोर हो गए हैं, आप खुद चाहते हैं इस नेगेटिव एनर्जी से निकल कर एक पॉजिटिव एनर्जी में आना। और अब तक आपने जो दर्द सहा है ना, वो यहाँ पर आपको एक ऐसा व्यक्ति बना चुका है जहाँ पर अब अपनी फीलिंग्स का इजहार करने में भी आपको डर लगता है। आपको ऐसा लगता है कि अब आप किसी से भी प्यार नहीं कर सकेंगे, आपका दिल इस बुरी तरह से किसी अदर पर्सन ने तोड़ा है। तो इस टूटे हुए दिल के साथ ना आप काफ़ी समय से एक ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हैं जहाँ पर आपने काफ़ी दूरी बना ली है लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, तो आप मिलना जुलना कम ही करते हैं लोगों से, ये चीज़ नज़र आ रही है। और आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, ये पर्सन भी उसी दर्द से गुजर चुके हैं। इस पर्सन ने तो कुछ हद तक खुद को हील कर लिया है, पर अब आपकी बारी है, आपको खुद को हील करना है। और जो प्रपोज़ल आपको अब मिलने जा रहा है, उसे अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बाहर आ सकती है, आपकी ज़िंदगी का अकेलापन दूर हो सकता है, और आप इस नेगेटिव एनर्जी से निकलकर एक पॉजिटिव एनर्जी में आ सकते हैं। क्योंकि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सम्मान भी होगा, प्यार भी होगा, और यहाँ पर ये जो भी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाला है, जो भी आपसे ये पर्सन मिलने वाला है, जो भी गॉड आपके लिए एक पर्सन भेज रहा है ना, उसको आप अच्छे से जांच लें, परख लें और उस इंसान को देख लें कि क्या ये आपके लिए राइट चॉइस है, ये आपका हक है। और यहाँ पर आप अपना हक ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर अपनी ज़िंदगी का एक सफ़र तय करना है किसी एक ऐसे इंसान के साथ में जो आपको इस नेगेटिविटी से निकाल सके और आपकी लाइफ में खुशियाँ भर सके, तो आपको एक राइट चॉइस मिलने जा रही है, ये चीज़ नज़र आ रही है। आपके जीवन के दुख और जो कष्ट है ना, वो दूर होने वाले हैं। जो भी पास्ट में आपको दर्द और दुख मिला था, अब इन फ्यूचर इस पर्सन के रूप में एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलने जा रहा है जो आपकी ज़िंदगी में खुशियां ला सकता है, अबंडेंस ला सकता है। यहाँ पर इसीलिए ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ बढ़ रहा है ताकि आपको इस दुख से, इस दर्द से बाहर निकाल सकें। तो यहाँ पर आप दोनों ने ये जिस जजमेंट की गुहार लगाई थी, वो जजमेंट अब होने जा रहा है, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, डिवाइन खुद आपको इस दर्द भरी एनर्जी से निकाल कर एक पॉजिटिव एनर्जी में लाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप दोनों का साथ किस्मत से मिलेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि अब दुख के दिन ना चले गए हैं, अब सिर्फ खुशियों के दिन हैं, तो इन खुशियों का स्वागत करें। और जो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो आपके जीवन में प्यार लेकर आएगा, ये चीज़ क्लियर है। और इस वक्त ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को, जहाँ पर ये पर्सन उस इंसान का चेहरा नहीं जानते, वो इंसान कौन है ये नहीं जानते, एक अननोन व्यक्ति ही आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। ओके, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।